बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार से। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी अमित कुमार को समर्थन देने हेतु रमा विहार एवं दयाल एनक्लेव कॉलोनी जमालपुर कला में विशाल जनसभा हुई, जिसमें डॉक्टर मनमोहन शर्मा अध्यक्ष रमा विहार समिति, मनोज श्रीवास्तव, हिमांशु सैनी, चरण सिंह, प्रवेश गुप्ता, महक सिंह, रीमा गुप्ता, रेखा देवी उपस्थित रहे। बहुत सरल व्यक्ति हैं और आज तक स्वामी जी के माध्यम से जैसे हमने कार्य कराए हैं कॉलोनी में, यहाँ पहले एक ट्रांसफार्मर था दो सात कॉलोनी के बीच में 63 का गंजराम चक्की वाले के पास, आज यहाँ एक ही कॉलोनी में चार ट्रांसफार्मर हैं 100 के बीच में, सड़कों में गड्ढे थे। स्वामी जी ने बहुत विकास कराया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन आज भी उनके दरबार में भीड़ भाड़ पूरी रहती है और खूब काम करते हैं हम लोगों को, हमें कभी महसूस नहीं होने देते कि मार दें, हमेशा ये कहते हैं कि तुम जीते हुए हो, मैं जब तक हूँ तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसे ही अमित का साथ देंगे वो जैसे हमारा साथ। बहुत अच्छे, थैंक आपको, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, मैं यहाँ का वैसे शक्ति केंद्र का सहसा हूँ लखनऊ जमालपुर का जी, और हर चुनाव में मैं स्वामी जी के साथ ही हूँ 18 साल से, बहन रीमा जी हो, प्रवेश जी हो, हम सब एक ही टीम के सदस्य हैं और हम जी जानते स्वामी जी के कार्य करते हैं, क्योंकि स्वामी जी हमारे साथ हमारे लिए तो हमारे समझ लीजिए आराध्य हैं। आपका शुभ नाम? रीमा गुप्ता। और आपका शुभ नाम? मनमोहन शर्मा। प्रवेश गुप्ता। तो मैं आपसे अमित कुमार जी के बारे में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप किनको समर्थन कर रहे हैं आज की डेट में? हम जिला पंचायत के हमारे सदस्य भाई अमित कुमार जी को समर्थन करते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में और जिला पंचायत सदस्य का जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा समर्थित है, तो जाहिर से तौर पर हम अपने अमित कुमार को समर्थन करते हैं। अमित कुमार जी का आज के डेट में विपरीत प्रत्याशी कौन है और किससे टक्कर है आज के डेट में? देखिए, टक्कर तो किसी से नहीं है, क्योंकि जो दूसरा प्रत्याशी है पंकज चौधरी के नाम से भाड़ी जिनका चुनाव चिन्ह है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो टक्कर तो किसी से नहीं है, हम एक तरफा जी। चुनाव किसी मुद्दे पर, मुद्दा क्या है आपका, मेन मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा भाजपा का शुरू से विकास का रहा है, विकास ही है और इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत देखा है कि यहाँ पे बहुत समस्या है, पानी की, बिजली की और सड़कों की बहुत बुरी दशा है, इसके बारे में आप क्या? हमें जीत रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तो हम इनसे मुद्दों के बारे में जानेंगे कि इनके विकास के मुद्दे क्या क्या रहेंगे और किस प्रकार रहेंगे। पानी की निकासी की समस्या, पानी की बहुत बड़ी निकासी की समस्या है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा और पुरजोर तरीके से कार्य किया जाएगा। दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे, यहाँ पे कूड़ा निस्तारण के लिए कोई वाहन नहीं आता, कुछ नहीं आता, सड़कों पर बहुत गंदगी रहती है, उसके लिए आप क्या? देखिए, उसके लिए ये गाँव पहले भी श्यामा प्रसाद ये बनाई योजना में था, ट्रैक्टर ट्रॉली की यहाँ पर सुविधा है जमालपुर में, और जो जितना भी प्रयास रहेगा वो करेंगे। स्वास्थ्य को लेके क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य के लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने एक मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा निर्माण हो रहा है हरिद्वार जिले में, तो जिससे हरिद्वार जिला नहीं देहरादून तक का बहुत सारा एरिया कवर होगा पूरा उत्तराखंड। चुनौती क्या समझते हैं आप इसके साथ है? आपकी चुनौती किसके साथ है? मुझे तो किसी के साथ लगी नहीं रही है। चलो, अमित चौहान जिंदाबाद, अमित चौहान जिंदाबाद, 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 अमित चौहान जिंदाबाद, 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 हमारा नेता कैसा हो? अमित चौहान। हरिद्वार से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।